ऑलराइट, अब हम दूसरी लेग समझेंगे एक्सपोजर की, जिसे बोलते हैं शटर स्पीड। आपके कैमरास एम मोड पे, और आप जब ये पीछे का जो डायल है इसका, इसको जब मूव करेंगे तो आप ये देखोगे ये लेफ़्ट साइड में आपके डिजिट्स चेंज हो रहे हैं। अभी मैं जिस स्पीड पे हूँ 1/125, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 125, लेकिन इसका मतलब होता है 1/125 ऑफ अ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के 125वें हिस्से में फ़ोटो रिकॉर्ड होगी। अब अगर मैं इसको बढ़ा दूँ और आगे बढ़ाऊँ इसे, तो ये देखिए जा रहा है 4000 तक, मतलब एक सेकंड के 4000 टुकड़े उसमें आपकी फ़ोटो रिकॉर्ड होगी। शटर स्पीड जहाँ पे भी आपको ध्यान है, इसका मतलब टाइम से है, कितना समय आप दे रहे हो लाइट को सेंसर पे हिट करने के लिए, कितनी देर तक आपकी इमेज रिकॉर्ड हो रही है। अब अगर आपके कैमरा उठाइए और उसमें जो पीछे का डायल है इसको घुमाइए, अब देखेंगे आप कि आपकी जो शटर स्पीड है, अगर आप स्लो शटर स्पीड में जाओगे तो ये आपकी शटर स्पीड जा रही है 30 सेकंड्स तक, मतलब 30 सेकंड्स तक फ़ोटो रिकॉर्ड होती रहेगी। ये आपकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपकी लाइट बहुत कम है, जैसे अगर आप जब बिल्कुल नाइट में शूट कर रहे हो, जैसे आपको लाइट ट्रेल शूट करनी है, तो आपको ये स्लो शटर स्पीड चाहिए होगी। और हाई शटर स्पीड जो है आपकी, वो आपकी जैसे अभी मैंने आपको बताया 4000 ऑफ अ सेकेंड जा रही है। इसका मतलब कोई भी बहुत फास्ट मूविंग चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, उसे अगर आपको क्लिक करना है तो आप हाई शटर स्पीड यूज़ करोगे। शटर स्पीड में आप जानने की कोशिश करते हैं, जब मैं फ़ोटोग्राफी सीख रहा था और जब मैं शटर स्पीड के बारे में जान रहा था, तो मेरे सर की एक ही बात मुझे याद रही थी। उन्होंने बोला था स्टैंडर्ड शटर स्पीड है 1/125 ऑफ अ सेकेंड, और उस स्पीड पे आप ज़्यादातर शॉट्स दे सकते हो, तो मुझे वही ध्यान था। एक दिन मैं मुंबई में एयर शो क्लिक कर रहा था, जिसमें आपके फ़ाइटर प्लेन मूव कर रहे थे फ्रेम में, तो वहाँ पे मैं एक्साइटेड होके एकदम उनको क्लिक कर रहा था, लेकिन जब मैंने उनको शूट किया 1/125 ऑफ अ सेकेंड में, मैं शूट कर रहा हूँ फ़ाइटर प्लेन फ्रेम के बाहर, सिर्फ एक स्काई दिखाई देती है। उसके बाद मैंने शटर स्पीड बढ़ाई, मैंने 2000 ऑफ अ सेकेंड स्पीड डाली, उसके बाद वो फाइटर प्लेन लॉक हो रहा है, वो आ रहा है उसके अंदर। अब शटर स्पीड को टेस्ट करना बहुत आसान है। आप कैसे टेस्ट करोगे, आपके घर में जो सीलिंग फैन है उसे चलाइए, आप एक शॉट लीजिए उसका से 1/125 ऑफ अ सेकेंड में, तो आप देखोगे वो आपको सीलिंग फैन मूव होता हुआ दिखेगा, जैसे आपको आंखों से दिख रहा है। आप उसी शॉट को 1/1000 ऑफ अ सेकेंड से लीजिए, तो देखोगे जो मूविंग सीलिंग फैन है वो वहीं रुक जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा पिछली बारी वो उसकी सफाई कब हुई थी। सो शटर स्पीड में आप दो चीज़ें करते हो, आप कोई मूविंग सब्जेक्ट है उसको रोक देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेटर नोएडा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे F1 रेस है, आपने देखा होगा। अब जब कार की रेसिंग हो रही है तो आपको हाई शटर स्पीड से जब आप क्लिक करोगे तभी वो एकदम स्टिल दिखेगी, अगर आप लो शटर स्पीड से क्लिक करोगे तो पूरी ब्लर दिखेगी। शटर स्पीड में एक और ख़ास बात है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, 1/60th ऑफ अ सेकेंड की जो शटर स्पीड होती है, या उसके ऊपर 1/60th, 1/125 या 1/250, ये जितनी स्पीड्स हैं या इसके आगे जितनी स्पीड्स हैं, ये आप सब हाथ से ले सकते हो। हाथ में कैमरा होल्ड करके स्टडी अंदर नीचे इसके सपोर्ट देके आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन जब आपको लो शटर स्पीड पर जाना पड़ता है, मतलब जब आपको जाना पड़ता है से 1/30th ऑफ अ सेकेंड या उससे भी लो, तो आपको ट्राईपॉड की ज़रूरत पड़ती है। आपको याद हमेशा ये रखना है कि जब भी मैं स्लो शटर स्पीड क्लिक करूँगा 1/60th ऑफ अ सेकेंड से, वो मैं हाथ से नहीं क्लिक करूँगा, क्योंकि अगर आप हाथ से क्लिक करोगे तो जो फ़ोटो होगी उसमें शार्पनेस नहीं होगी, वो ब्लर दिखेगी थोड़ी, आपको वहाँ पर ट्राईपॉड यूज़ करना है। और शटर स्पीड जैसे कि मैंने बताया आपको, इसका टाइम से मतलब है, जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे आपको आपके कैमरा को कम टाइम देना है, ताकि वो फोटोग्राफ एकदम बिल्कुल ज़ीरो एक्सपोजर पे आए। जहाँ लाइट कम है वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, ताकि कैमरा
आपको ज़्यादा टाइम मिले लाइट को सेंसर पे रीड करने के लिए, राइट। अब एक और चीज़ जो आपको शटर स्पीड के बारे में मालूम होनी चाहिए, हर एक लेंस की अलग अलग फोकल लेंथ होती है। जैसे ये जो अभी मेरे पास कैमरा D90 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 18-105 लेंस लगा हुआ है। अगर इसकी मैं 105 से क्लिक कर रहा हूँ, अगर 105 पे mm पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरी जो शटर स्पीड होगी वो 1/105 या उससे ज़्यादा होगी। अगर मैं उसको इससे कम क्लिक करूँगा तो कैमरा शेक आएगा उसके अंदर फ़ोटो में। ऐसे ही जैसे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल लेंस यूज़ कर रहा है 400 mm, कुछ बर्ड फोटोग्राफर होते हैं वो 400 mm यूज़ करते हैं लेंस। अब 400 mm अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी जो शटर स्पीड मिनिमम होगी वो 1/400 ऑफ अ सेकेंड होगी। उससे नीचे आप नहीं शूट करोगे, उसके ऊपर आप जा सकते हो। 1/400 भी यूज़ कर सकते हो, 1/500 भी यूज़ कर सकते हो, और उसके आगे जितनी भी स्पीड आपको चाहिए आप ले सकते हो, लेकिन उसके नीचे नहीं जाना होता है। एक इसकी इक्वेशन होती है शटर स्पीड और फोकल लेंथ की, शटर स्पीड इज़ इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। मतलब अगर आपके लेंस की फोकल लेंथ है 800 mm, तो आपकी शटर स्पीड होगी 1/800, मतलब 1/800 ऑफ अ सेकेंड, उससे नीचे नहीं क्लिक करोगे। शटर स्पीड के लिए अब हम लोग एक लाइव परफॉर्मेंस करेंगे आपके लिए, और जिससे आपको और क्लियर होगा कैसे करते हैं। अब मेरे पास मेरे स्टूडेंट शैजू हैं, जो हमें शटर स्पीड के लिए PT करके दिखाएंगे। अब आप देखना कि जब वो मूव कर रहे हैं, हमें उन्हें लॉक कैसे करना है, मतलब ऐसे कैसे शूट करना है कि वो बिल्कुल फ्रीज हो जाए फ्रेम में, ठीक है। और एक शैजू, हाई शटर स्पीड ज़्यादातर यूज़ की जाती है स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। अब कोई क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है और ये शॉट ले रहा है, तो वो तो बहुत कम मोमेंट के लिए वो इवेंट रहेगा, राइट। वो बहुत छोटा सा मोमेंट रहेगा, बहुत इमीडिएटली उसे कैप्चर करना रहेगा। इसलिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो हाई शटर स्पीड के शॉट लेते हैं, से 1/1000 ऑफ अ सेकेंड। अगर कोई चीज़ और ज़्यादा मोशन में है, मे बी 1/2000 ऑफ अ सेकेंड। और हाई शटर स्पीड आपकी यूज़ की जाती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे कोई एनिमल प्रे को चेस कर रहा है, उसको ब्लॉक करना है आपको, उसको मूवमेंट को आपको रोकना है, या कोई बर्ड फोटोग्राफर है उड़ती हुए ईगल को उसको एकदम कैप्चर करना है स्काई में, तो वो क्या करेगा, हाई शटर स्पीड यूज़ करेगा। और लो शटर स्पीड अगर आपको देखना है, आपने कभी मून की फ़ोटो ली है, प्योर नाइट एंड जस्ट अ फुल मून, ट्राई टू क्लिक अ मून, यू विल गेट अ गुड एक्सपोजर ऑन शटर स्पीड। थैंक यू।